दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं फिट मोबाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी मैं फिर से हाजिर में लेके अपने बिटकॉइन और इसकी सारी सारी ताजा अपडेट्स। तो दोस्तों, कल वीडियो नहीं आ पाई थी उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा सा काम था, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट ने ज्यादा हिला ढुली नहीं करी और मार्केट बहुत ज्यादा स्टेबल था, जिसके इसके अंदर बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। और आईओ जो थे, जो स्पेशली बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुए थे, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करा है। बाकी आप लोगों को कॉल्स मिली थी उनकी वीआईपी के अंदर, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे मूवमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस प्लस न्यूज़ को कवर अप करने वाले हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो अपने फ्री टाइम में देखें। और साथ ही दोस्तों, वीआईपी ग्रुप से लेके ये था कि इसकी डेट का क्या है, तो मैं वो बता दूं कि अगर आप इसकी जो बेसिकली साइकिल है वो है 1 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक, जो कि महीने का एक लास्ट डेट होती है। अब इसमें अगर आप 15 तारीख को आओगे तो भी आपकी डेट 30 या 31 होगी। इसको रखने का एक रीज़न है, वो ये था क्योंकि बहुत सारे पर्सन क्या है, कोई 1 को आया, कोई 2 को आया, कोई 3 को आया, और उसके कारण जो कॉल्स होती है वो उनके पास से मिस हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की भी कॉल्स और मिस हो, इसलिए मैंने इस सिस्टम को रखा कि ताकि आप 1 तारीख या 1 तारीख से पहले पहले ज्वाइन हो जाए, ताकि उसके बाद जितनी भी कॉल्स हो वो आप एक प्रॉपर लेंथ पर ले पाए और उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपने कोई कॉल मतलब आप आए 5 तारीख को, कोई कॉल आपने 1 या 2 तारीख की उठाई, तो हो सकता है कि वो कॉल का जो प्रॉफिट हो वो वहाँ पे खत्म हो गया हो। तो इसलिए दोस्तों, मैंने इस सिस्टम को ऐसा रखा है। अगर आपने वीआईपी ज्वाइन नहीं करा तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपसे छूट गया है, आप करना चाहते हो, तो आप नेक्स्ट मंथ आके ज्वाइन करिए। क्योंकि वीआईपी की जो मंथली रिपोर्ट होंगी वो मैं 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको पब्लिश कर दूंगा, और इसका जो पेमेंट गेटवे खुलता है वो 25 तारीख से 1 तारीख तक का है। तो आप इसके बीच में ज्वाइन कर सकते हो। इस बार तो मैंने ज्वाइनिंग ले ली थी, लेकिन अगली बार हम सिर्फ 25 तारीख से 1 तारीख तक ही ज्वाइनिंग रखेंगे, ताकि आप लोग उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से आ पाए और जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा वो आपको 25-26 तारीख के आसपास मिल जाएगा, जैसे कि प्रीवियस मंथ आपको अभी मिला था। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते किसी कॉल या किसी भी चीज़ पे, तो आप इस मेल आईडी पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ पे कि आप और हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं। पहले तो आपको कुछ वीडियोस मिलती हैं जो कि आपको पढ़ना होती है, और उनको पढ़ने के बाद जो भी डाउट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती है, वो सारी की सारी हम यहाँ पे लाइव क्लासेस अंदर कवर करते हैं। प्लस उसमें प्राइवेट क्लासेस भी रहती हैं, क्योंकि आपके पर्सनली कभी अगर आपको कुछ चीज़ें वहाँ पे छूट जाती हैं या फिर कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आती, तो उसमें 5-10-15 मिनट की एक अलग से सेपरेट क्लास भी होती है, जो कि हम टाइम के अकॉर्डिंग हर पर्सन एडजस्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यही सब बताना था। अब हम चलते सीधे अपने चार्ट पर, देख लेते हैं कि चार्ट हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए बता रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने चार्ट पे आ चुका हूँ, अपने मतलब बिटकॉइन के चार्ट पे, जो कि बिटमैक्स का है। और ऑलरेडी दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट के आसपास आया था और थोड़ा सा नीचे तक प्राइस गया था, जैसे कि हम कह सकते हैं 7400 तक। देन प्राइस ने एक अच्छा सा थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की कोशिश करी, जो कि हम इस बॉक्स के अंदर देख सकते हैं, ये वाला जो बॉक्स है सेकंड नंबर मिड बॉक्स, इसके अंदर अभी जो दोस्तों प्राइस है वो कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से डाउन ब्रेक उसको करा जाए, क्योंकि प्राइस में यहाँ पर हम लोगों को कोई भी स्पेशल सा ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है जो कि इसको ऊपर की तरफ पुश करे। चाहे मैं बात करूँ इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर भी ऑलरेडी यहाँ पे बेयरिश जोन के अंदर आ चुका है, जो कि मुझे और ज्यादा बेयरिश होने पर मजबूर कर रहा है मार्केट के। तो अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 7600 से लेकर 7400, अगर आप इस रेंज को थोड़ा सा नीचे खिसकाना चाहो तो उसको यहाँ पे भी आप शिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप इस रेंज में भी रख सकते हो। तो ऑलरेडी अगर इस मार्केट को ब्रेक डाउन कर देता है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मार्केट है वो $7000 से लेकर $6800 के नीचे तक यहाँ पे आ सकता है। प्लस दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये हमारे पास एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन था। तो इस राइजिंग वेज फॉर्मेशन का जो लोअर पार्ट है, जहाँ पे हम बात करें, तो वो ऑलमोस्ट 7000 के आसपास से लेकर यही वाला पार्ट हमको देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका करेक्शन है वो ऑलमोस्ट 7000 तक हो सकता है। तो अगर आप लोगों को अब तक यूएसडीटी में नहीं हो तो शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन वो आपके चॉइस के ऊपर है। क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट टूटेगा तो, और अगर मार्केट एक बार यहाँ से रिट्राइव करने की कोशिश करता है, तो मार्केट जरूर इस लेवल को टेस्ट करेगा, जो कि 8200 का, एंड देन उसके बाद डिसाइडिंग पॉइंट होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आता है या फिर मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन अभी के जो मेजरली चांसेस है वो ये है कि जो मार्केट है वो इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आ सकता है, एंड देन इसके बाद अगर वो एक बाउंस बैक लेता है तो अच्छी बात होगा, हम लोग थोड़ा सा और पे प्रॉफिट कमा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे बिटकॉइन यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा, वैसे ही अल्टकॉइन ब्लीड करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने कोई सा अल्टकॉइन में पोजीशन ले रखी है, तो थोड़ा सा उसको समझ जाइए, स्टॉप लॉस को ऊपर करते हुए चलिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इस पॉइंट के अंदर, तो यहाँ पे हमको क्लियरली देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर एक हमारे पास है सिमेट्रिकल ट्राइंगल कुछ इस फॉर्मेशन का,
और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हम लोग एंड पॉइंट के आसपास है या फिर इससे हम लोग थोड़ा सा नीचे इधर यहाँ से गिर सकते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों कि इस लेवल के ब्रेकडाउन होगा जो कि 7600 है, उसके बाद हम लोग पोजिशन लेंगे अपनी कि किस तरफ आगे मार्केट यहाँ पे चलता है। और यहाँ पर दोस्तों ये हो सकता है कि कंटिन्यूशन पैटर्न हो, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ भी आ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को तैयार रहना होगा लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन दोनों के साथ, कि कभी भी कोई भी पोजिशन एक्योर होती है तो हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिहेव करना होगा। क्योंकि अभी वीडियो में इतना ही दिख पा रहा है और जब तक वीडियो पब्लिश हुई हो सकता है चार्ट में कुछ चीजें यहाँ पे चेंजेस हो जाए। तो आप दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट कर सकते हो। मेरा प्रेफरेंस टारगेट रहेगा 7800 के ऊपर से लॉन्ग एंड 7600 से शॉर्ट। तो ये दोस्तों मैं बिटकॉइन के अंदर अपने कुछ मेजर टारगेट्स यहाँ पे लेके चलने वाला हूँ। साथ में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में कि ईएमए रिबन हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज बताता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 आवर में तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं और उसको पुश कर रहा है प्राइस। एंड 4 आवर में भी दोस्तों हम लोग ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ चुके हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आप और ज्यादा यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि 4 आवर में हमने ब्रेकडाउन करने के बाद से नीचे आ चुके हैं। और उसके बाद से क्योंकि आपको पता है कि जब ईएमए रिबन के ऊपर प्राइस होता है तो वो उसको पुश करता है ऊपर की तरफ। अब वो नीचे आ गया तो उसको पुश करेगा डाउनवर्ड की तरफ, जो कि हमें एक डाउन ट्रेंड होने का सिंपल सा एग्जांपल मिलता है। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए, लेवल्स आप इस तरीके से अपने चार्ट्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हो कि लेवल आप लोगों को क्या क्या देखने को यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम कॉइन की। तो इथेरियम कॉइन के अंदर भी दोस्तों को सेम चीज देखने को मिल रही है जो कि हमें बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से यहाँ पे बिहेव करते हैं। तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर भी हमको दोस्तों एक चैनल देखने को मिला है जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद से जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नीचे आ चुका है। ईएमए रिबन भी उसको नीचे की तरफ पुल बैक कर रहा है। और अगर ये यहाँ पर इथेरियम जो है वो ऑलमोस्ट अपने प्राइस $225 के आसपास को यहाँ पे टच कर सकता है इस बार में, कि अगर यहाँ पे हमें कोई भी सिंगल शॉर्ट ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिलता है। क्योंकि तो बिटकॉइन गिरेगा तो अल्ट्स भी गिरेंगे जो कि एक नॉर्मल सी प्रोसेस है, तो उसके अंदर ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। प्लस अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हम लोगों को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जिसको फिलहाल में तो प्राइस नहीं तोड़ पाया, लेकिन अगर ये वीडियो पब्लिश होने के बाद कुछ पॉइंट्स ऊपर जाता है प्राइस तो ये डेफिनेटली देखने वाली बात होगी कि इस पॉइंट को यानी कि $250 को ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन डेफिनेटली जो प्राइस है वो $260-$265 तक जाएगा, नहीं तो जो प्राइस है वो नीचे की तरफ $225 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, जो कि आपको इथेरियम में देखने को मिलेगा। डेली की दोस्तों बात करें तो डेली में हम लोग ईएमए रिबन के अंदर आ चुके हैं। फिलहाल में डेली थोड़ा सा पॉजिटिव, लेकिन इंडिकेटर वाइज अभी भी नेगेटिव है। तो ये हमको देखना होगा कि जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा सर्च करता है नीचे की तरफ मार्केट में, और जो डाउन ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं लाइटकॉइन की। और लाइटकॉइन का दोस्तों यहीं पे आपको सिग्नल दे दिया था इससे एग्जिट होने के लिए, क्योंकि हमको पता था कि $103-$104 तक आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो प्राइस है वो फिर से एक्युमुलेट कर रहा है। आप इसको चाहो तो ऐसा एक असेंडिंग ट्रायंगल के फॉर्म में देख लो या फिर आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हो। मैंने पुराना डेटा इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि वो हेल्प करेगा आपको समझने में कि हम लोग प्रीवियसली जो वीडियोस में करते आ रहे हैं उससे जो कंटिन्यूटी है वो किस तरीके से बन रही है। तो फिलहाल में दोस्तों मेरे लिए जो लेवल होगा वो होगा $98 का। अगर ये $98 को ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली हम लोग $85 तक आ सकते हैं। और अगर ये $105 को ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग यहाँ से $112 या $120 के आसपास तक लाइटकॉइन के अंदर जा सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक अपर चैनल था जिसको अगर कंप्लीट होना है तो ऑलमोस्ट उसको यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा, जिसकी जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट $170 के आसपास हो सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है तो हो सकता है कि हम लोगों को एक बड़ा फॉल लाइटकॉइन के अंदर देखने को मिले। लाइटकॉइन की हल्विंग पास में आने वाली, यानी कि बहुत सारे लोगों ने जो फोमो में लाइटकॉइन को बाय करा होगा बॉटम पे, जैसे मैंने करा था, आप लोगों को करवाया था, तो वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइटकॉइन बेचने के कगार में हो सकते हैं। तो अगर ये इसको ब्रेक डाउन करता है तो देन डेफिनेटली मैं भी अपना सोल्ड आउट कर दूंगा, और उसके बाद फिर जितना भी बॉटम आता है उस हिसाब से उसको कैलकुलेट आगे की तरफ करूंगा। नहीं दोस्तों हम लोग बात करते हैं बीएनबी कॉइन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बीएनबी कॉइन ने एक बहुत अच्छा सा चैनल यहाँ पे बनाया था, डाउन चैनल जिसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने एक लेवल लगा रखा है $32 से $33 के अप्रोक्स, इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फिर से रिजेक्ट हुआ है प्राइस, और जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट नीचे आने के लिए वापस से हो रहा है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को $25-$23 के रेंज में जो बीएनबी कॉइन है वो यहाँ पे हम लोगों को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो एक्यूमुलेशन करना बहुत अच्छी बात होगी। अगर इसको तोड़ देता है तो देन डेफिनेटली हम लोग $18 तक भी इसके नीचे यहाँ पे जा सकते हैं। देन दोस्तों बात करते हैं नियो कॉइन की। और नियो ने दोस्तों यहाँ पर हमारा टारगेट जो है
ऑलमोस्ट हिट कर दिया था $14 का, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 14.8 14.9 तक जा सकता है। और उसके बाद से आप देख सकते हो कि जो ड्रॉप है वो किस तरीके से सिग्निफिकेंट यहाँ पे चल रहा है। और फिलहाल में ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो कि $11.7 का, उसको भी यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्यूमुलेट हो रहा है। तो प्राइस एक्यूमुलेट होने पर दो ही चांसेस बनते हैं, या तो ऊपर टूटेगा या नीचे। फिलहाल में जो मार्केट की सिचुएशन लग रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से कहना है थोड़ा सा मुश्किल है नियो के अंदर अभी फिलहाल में, लेकिन जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश है। अगर मैं बात करता हूँ बड़ी टाइम फ्रेम की, अगर हम लोग इसको डेली के अंदर चेकआउट करते हैं, आप देख सकते हो कि मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पे बेयरिश में है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करता है तो डेफिनेटली हम लोग प्राइस को $10.5 से लेकर $10 के आसपास इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। देन दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑन्टोलॉजी USDT की। तो यहाँ पर दोस्तों ऑन्टोलॉजी भी अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ चुका है, जो कि मैंने आपको कहा था कि 1.4 को तोड़ेगा तो 1.2 के आसपास आएगा, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। अब दोस्तों अगर ये इसको भी यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है ऑन्टोलॉजी, तो देन डेफिनेटली जो ऑन्टोलॉजी है वो हम लोगों को आने वाले फ्यूचर के अंदर मोस्ट प्रॉबेबली देखने को मिल सकता है $0.9 से $1 के बीच में। तो अगर ये $1 के आसपास आता है तो उसमें अच्छी खासी बाइंग हो सकती है, क्योंकि प्रीवियसली एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे रहा है। और अगर इसको नहीं तोड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि BTC अगर ज़्यादा भी थोड़ा भी गिरता है तो अल्सिलर ब्लीडिंग यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है। लास्ट दोस्तों हम लोग कॉल लेते हैं XRP को। XRP का दोस्तों अभी तक टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, नीचे वाला जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करा था जो कि $0.37 के आसपास पे है, प्राइस ऑलमोस्ट नीचे आके थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो प्राइस है वो किस तरीके से परफॉर्म देता है आने वाले फ्यूचर के अंदर, और हम लोगों को और भी क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे सभी कॉइन की तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के नीचे ही हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा क्लोज है ऑलमोस्ट 0.37 के। तो देखते हैं कि कितना जल्दी इस प्राइस को यहाँ पे अचीव करता है, या फिर आज रात को यहाँ पे अचीव यहाँ पे कर लेता है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स हो चुके हैं, अब हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। और मेरे दोस्त ने कुछ कॉइन्स पूछे थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो मैं आज की तो नहीं कल की वीडियो में उनको कवर अप कर लूँगा, क्योंकि अभी मैं उनके नाम भूल गया हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्त आपसे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इंडिया की तरफ से, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने साफ तौर पे जो RTE सबमिट करी गई थी वरुण सेठी एक ब्लॉकचेन लॉयर है, और उनका खुद का चैनल भी है यूट्यूब पे, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, हाँ लेकिन आपको ब्लॉकचेन के नाम से मिल जाएगा, आप सर्च वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर मैं अगली वीडियो में उसको बता दूंगा। तो उन्होंने यहाँ पे एक RTI डाली थी RBI के पास, और ये पूछा था कि जो एक रिपोर्ट थोड़े दिन पहले आई थी जिसमें ये कहा गया था कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे पूरी तरीके से, जो एक ड्राफ्ट यहाँ पे निकला था, क्या वो ड्राफ्ट के बारे में आपको पता है, क्या उसके कोई सजेशंस या कुछ भी चीज़ जो भी उनको पता हो? तो उन्होंने यहाँ पे सीधे तौर पर मना कर दिया कि हम लोगों को इसका कोई भी नॉलेज इसके अंदर नहीं है कि उस RTI में मतलब उस ड्राफ्ट में क्या आता है, और हमसे गवर्नमेंट या मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे कोई भी हमसे बात नहीं करी है इस बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनको जवाब मिला, और साथ ही साथ ये भी पूछा था कि जो ड्राफ्ट है क्या वो आपकी बिना कंसीडर पास हो सकता है, तो उसको मैं यहाँ पर डिक्लाइन कर जाता है, यानी कि अगर अब वो ड्राफ्ट है वो चाहे तो गवर्नमेंट खुद पास कर सकती है, या फिर जो RBI है उनसे भी पूछना जरूरी है। तो इस बारे में भी उन्होंने एकदम डिक्लाइन कर दिया कि नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों यानी कि जो गवर्नमेंट है वो और जो RBI है वो दोनों अलग अलग डिफरेंट मूड में लग रही है। अब देखते हैं G20 की जो मीटिंग है उसके बाद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर क्या फैसला यहाँ पर लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो खबर आ रही है वो आ रही है कोमोडो की तरफ से। कोमोडो दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी है, आप सभी को पता होगा, और हर क्रिप्टो करेंसी कुछ वॉलेट्स होते हैं, इसी तरीके से दोस्तों इनका भी एक वॉलेट था जिसका नाम था अदामा, और इनको एक सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने बताया था कि आपके जो ये वॉलेट है इसके अंदर एक बग पाया गया है जिससे कि चोरी हो सकती है आपके फंड्स की। तो इन्होंने क्या करा, खुद के वॉलेट पे ही खुद हमला करा, और जितने फंड थे वो वहाँ से निकाल के एक तरफ सिक्योर कर लिए, ताकि इनको ये चीज़ पता पड़ सके कि उसके ऊपर किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, और इन्होंने खुद के फंड को हैक करके सिक्योर कर लिया। तो ये दोस्तों एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे लोगों को अलग से हायर करा जाता है कंपनीज के अंदर कि आप उसको टेस्ट करो, ये करो, और इन्होंने खुद चीज़ कर ली, क्योंकि अच्छा है कि किसी हैकर ने नहीं करा। उन्होंने ये भी बताया कि अगर यहाँ पर हैक हो जाता तो 8 मिलियन वर्थ की कमोडो और 96 बिटकॉइन यहाँ पर लॉस्ट हो जाते हैं इस हैकिंग के अंदर, जो कि इन्होंने यहाँ पे सेफ तरीके से बचा ली है। प्लस इन्होंने बताया कि जो टोटल वर्थ है इन दोनों को मिला के बहुत ही $13 मिलियन की, जो कि मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे रोक लिए। तो कमोडो को दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी सभी कॉइन्स को भी इस तरीके के अपने चेक्स करते रहना चाहिए, ताकि उन्हें पता पड़े कि इनके कोई भी डिवाइसेस में, इनके कोई सॉफ्टवेयर में कोई बग तो नहीं है, जिससे कि यूजर्स का जो फंड है वो किसी भी तरीके से इफेक्ट यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट दोस्तों जो खबर आ रही है वो आ रही है रशियन एनर्जी जाइंट की तरफ से, और उनका कहना है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर जो बैरल्स ऑफ ऑयल होंगे, यानी कि अभी जैसे जो तेल कच्चा तेल और ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं जो उनके बैरल्स होते हैं, वो क्रिप्टो के अंदर एक दिन ट्रेड करे जाएंगे। तो ये दोस्तों हम सभी को पता है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो क्रिप्टो के बेसिस पे, इसलिए हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और अभी जो यहाँ पे $US के अंदर उसकी एक वैल्यूएशन होती है कि अभी का जो बैरल है वो कितने $US का है, आने वाले टाइम में वो क्रिप्टो हो सकता है, वो कौन सा क्रिप्टो होगा नहीं पता, क्या वो स्टेबल कॉइन होगा, क्या वो बिटकॉइन होगा, क्या वो इथर होगा,
अभी एक चीजें नहीं पता क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे जैसे रेगुलेशन आएंगे, जैसे जैसे नए क्रिप्टोज आएंगे, जैसे जैसे अपने प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी होगी, जैसे जैसे एक्सपांशन होगा, स्केल अप होंगे, सिक्योरिटी बढ़ेगी, उस हिसाब से पता पड़ेगा कि कौन से कॉइन को ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दी जाती है या फिर गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, जैसे INR, USD और ये जैसे कि टेथर हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट खबर दोस्तों आ रही है बाइनेंस की तरफ से, और बाइनेंस ने दोस्तों यहाँ पे कह दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर वो यहाँ पर अपना एक स्टेबल कॉइन ले आएंगे। तो मैं यहाँ पे साफ कर दूँ, एक और स्कैम आपके सामने आने वाला है। अब आप सोचें तो बाइनेंस स्कैम कैसे कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि बाइनेंस ने अभी यहाँ पर एक नई चीज़ अप्लाई करके देखी थी जो थी GBP, यानी कि जिसे आप कह सकते हो कि ये कौन सी कंट्री, ब्रिटिश पाउंड था पैक जिसे कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना एक स्टेबल कॉइन टेस्ट करने की कोशिश करी है। और ये जो होगा, इन्होंने कहा कि आगे जो स्टेबल कॉइन आएंगे वो हमारे फिएट डिपॉजिट होंगे बैंक के अंदर, लाइक USDT, इसको आप कोट कर सकते हो क्योंकि USDT का आपको भी पता है कि किस तरीके से फ्रॉड यहाँ पे चल रहा है। फ्रॉड नहीं कहेंगे, यानी कि पूरा एक स्कैम है, क्योंकि अगर हमें बैंक को इंट्रस्ट करना था तो हम क्रिप्टो में क्यों आते हैं। अभी हमारे पास सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि हम लोग DAI जैसे कॉइन को यूज नहीं कर रहे हैं, और उसके बजाय हम जितने भी बाकी कॉइन्स है, चाहे वो USDT हो, TUSDT हो, PAX हो, इन सबको यूज कर रहे हैं, जो कि एक सेंट्रलाइज कॉइन है और एक कभी भी क्रिप्टो मार्केट को हिलाने का दम रखते हैं। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही गई है कि 50% ऑफ स्टेबल कॉइन जो है वो अभी USDT के अंदर है, और बाइनेंस कॉइन के आने से इस पर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा क्योंकि बाइनेंस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बन चुका है। और साथ ही साथ ये यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं दूसरी करेंसी जैसे US डॉलर के अलावा भी और अदर करेंसीज के कॉइन लाने के लिए। तो आज भी आप ये चीज़ मान लो कि ये सारे स्कैम्स बनने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, जिस तरीके से USDT तक चल रहा है, और एक दिन जब भी ये हिलेगा पूरी मार्केट को यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे हिलाने वाला है। तो आप देखते हैं कौन इसका पार्ट बनता है, कौन इसका पार्ट नहीं बनता है, लेकिन हाँ स्टेबल कॉइन यूज़ करना हमारी मजबूरी जरूर है। लेकिन हम सभी अगर एक्सचेंजेस को फोर्स करें कि DAI कॉइन को यूज़ करें, कि DAI कॉइन इथेरियम बेस्ड बना है, तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा सिक्योर यहाँ पे खेल सकते हैं। नेक्स्ट खबर जो दोस्तों आ रही है वो आ रही है P2P एक्सचेंज ऑर्डर से, और इन्होंने दोस्तों जो काम करा है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हालांकि ये जो काम ये ZAP पे भी कर चुका है, आप कुछ लोग ZAP के नाम से चिढ़ सकते हैं, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की तारीफ कर रहा हूँ जो कि उन्होंने इंप्लीमेंट करी है, ना कि किसी एक्सचेंज की। तो ZAP ने भी यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर दी, उनके जो बिटकॉइन का वॉलेट है उसके अंदर लाइटिंग नेटवर्क एक्टिवेट करा, जो कि जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों P2P है, यानी कि पीयर टू पीयर, एक बंदे टू बंदे से यहाँ पर HODL करके एक्सचेंज है, उन्होंने यहाँ पे दोस्तों लाइटिंग नेटवर्क एक्टिवेट कर दिया बिटकॉइन के अंदर। तो यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग होगी और या फिर जो बिटकॉइन रिसीव या सेंड होंगे वो यहाँ पर लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर हो सकते हैं। लाइटिंग नेटवर्क दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे चला, और यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कहा कि इनका जो अभी का करंट सिस्टम P2P का उससे बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने वाले इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइफ टाइम के लिए, जो कि लाइटिंग नेटवर्क के ऊपर काम करेगा। ये बहुत ज़्यादा सस्ता हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो एक्सचेंजेस है वो अपने आपको डेवलप कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर के हिसाब से, किस तरीके से जो एडॉप्शन की तरफ हम जा रहे हैं या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज पुरानी टेक्नोलॉजीज में इंटीग्रेट हो रही है वो यहाँ पे कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ बाइनेंस कर तो सोचिए जो आपकी आज फीस लगती है बिटकॉइन में 0005, वो घट के कितनी कम रह जाएगी, और आप कितनी छोटी छोटी वैल्यूज को भी एक एक्सचेंज से किसी दूसरे यहाँ पर ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट खबर आ रही है वो आ रही है फेसबुक की तरफ से, और बहुत टाइम से सुन रहे हैं फेसबुक अपना कॉइन ला रहा है ग्लोबल कॉइन, लिब्रा कॉइन। तो मैं बता दूं कि जब तक इसका कॉइन मार्केट में नहीं आता या फिर फेसबुक की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना वर्थ नहीं है। लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, वो है कि यहाँ पर फेसबुक ने कहा कि उसके एम्प्लॉय की सैलरी उसके कॉइन में जाएगी, प्लस यहाँ पे ऐसा रूमर भी है कि जो उनका स्टेबल कॉइन होने वाला है वो पेमेंट इंटीग्रेट होगा व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में और इनके मैसेंजर में, जो कि फिजिकल ATM के थ्रू मशीन से पैसा को निकाल भी सकते हैं। तो देखिए मैं ये नहीं कहता कि इसके ऊपर काम नहीं चल रहा है या फिर इसकी ह्यूमर से हम लोग तो आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से 100% उस चीज़ पे जाना कि फेसबुक ऐसा करेगा ये चीज़ें नहीं है। जब ये अपनी अनाउंसमेंट करेंगे उसके बाद देखेंगे कि ये क्या करते हैं, क्योंकि अभी CFTC जो कि अमेरिका की मतलब CFTC को क्या बोलते हैं, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे अप्रूवल्स ले रहे हैं, जो कि बाकी सबके पेंडिंग पड़े स्टेबल कॉइन के आने में। पर इन्होंने कहा कि इस महीने में इस प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंस कर सकते हैं, तो वेट कर लीजिए एक बार अनाउंसमेंट हो जाए उसके बाद क्या होता है। अगर ये कॉइन फंडामेंटली अच्छा होता है तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचूंगा, और इसके ऊपर मैं डेफिनेटली जरूर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना के। दूसरी वीडियो से पसंद आई होगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद तो दोस्तों कर देना लाइक, नहीं तो करना डिसलाइक। दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस ऑन टाइम पर मिल सके और आप पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे एक वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।